वेलकम टू माई चैनल। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम बनाने जा रहे हैं एक हेयर मास्क जो कि हमारे बालों को सॉफ्ट बनाएगा, सिल्की बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, और जो हमारे बाल उलझे उलझे हो जाते हैं या फिर हमने कलर कराया है अगर अपने बालों में तो वो डैमेज्ड हो जाते हैं, उन सब को रिपेयर करेगा। ये मास्क हमारे बालों को रिपेयर करेगा अगर हमने अपने बालों पे स्मूथनिंग कराई है या फिर केराटिन कराया है या कलर कराया है, इन सब से हमारे बालों को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे बालों को सॉफ्ट बनाएगा, सिल्की बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बनाते हैं आज का हेयर मास्क। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए जो सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो है बनाना। जी हाँ, बनाना, जिसमें बहुत सारा मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, फाइबर होता है, और बनाना हमारे बालों को बहुत अच्छे से सॉफ्ट और सिल्की बना सकता है। तो हमें चाहिए बनाना। बनाना जो कि थोड़ा सा पका हुआ होना चाहिए, एकदम कच्चा वाला बनाना नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा बनाना को पकाना पड़ेगा। अगर आपके घर में बनाना आया हुआ है तो एक दो दिन उसे रख देंगे, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप उसे एज अ हेयर मास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम ले रहे हैं 1 से 2 बनाना। अब इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें क्या करना है, बनाना को हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि अगर बनाना को हम अपने हाथों से मैश करके लगाते हैं तो वो हमारे बालों में फंस जाता है और फिर बाल बड़े उलझ उलझ जाते हैं, उसी में स्टिकी स्टिकी हो जाते हैं। तो हम क्या करें, हम ग्राइंडर में डाल के उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे ताकि हमारे बालों में लगाने में वो बहुत ईजिली अप्लाई कर सकें हम अपने बालों पर। ये देखिए, मैंने एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब जो बचे कुछ इंग्रेडिएंट हैं वो इसमें मिलाते हैं और अपना पैक तैयार करते हैं। मैं इस हेयर मास्क में एलोवेरा का पल्प डाल रही हूँ। मैंने एलोवेरा को ग्राइंड कर लिया था और ग्राइंड करके मैं उसे हमेशा फ्रिज में रख देती हूँ, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो 1 से 2 चम्मच आप एलोवेरा का पल्प डाल लेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मेयोनीज़। मेयोनीज़ आप सब जानते हैं, आप सब खाते हैं मोमोज़ के साथ और अदर इंग्रेडिएंट में, सैंडविच में मेयोनीज़ हमेशा पड़ता ही पड़ता है। तो हमें इसमें 1 चम्मच मेयोनीज़ का डालना है, क्योंकि मेयोनीज़ हमें हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना सकता है। जो बाल हमारे नीचे से एकदम डैमेज्ड हो जाते हैं, एकदम फटे फटे से हो जाते हैं, उन सारे बालों को रिपेयर करेगा। अक्सर हमारे बाल सिर्फ नीचे के एंड्स हमारे जो है वो ख़राब हो जाते हैं, अगर हमने अपने बालों में कलर कराया है या केराटिन है, या फिर हमारे बाल ऐसे भी ख़राब होते हैं वो हमेशा नीचे से ही ख़राब होते हैं। तो वो सारे बालों को, वैसे झड़े हुए उलझे उलझे बालों को, वो रिपेयर करेगा मेयोनीज़। के बाद जो हम अपना लास्ट इंग्रेडिएंट है वो ले रहे हैं, वो है सरसों का तेल। जी हाँ, मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा हैवी होता है, हमारे बालों को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर सकता है, हमारे बालों का मॉइस्चर वापस करवा सकता है। इसलिए मैं कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, ये सारे ऑयल नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बेस्ट होगा आपके हेयर मास्क के लिए। अगर आप इस हेयर मास्क में सरसों का तेल मिलाकर यूज़ करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरी बात मानिए और इसे यूज़ करके ज़रूर देखिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है ना, तो आप पता है, आप जो है सरसों का तेल लेकर आप अपने बालों के एंड्स पे लगा के आप उसे छोड़ दीजिए 10-15 मिनट, उसके बाद आप हेयर वॉश करिए, आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो सरसों का तेल एक बहुत अच्छा इन्ग्रीडियंट है जो कि इस हेयर मास्क के लिए बहुत अच्छा है। जी, हमारा जो हेयर मास्क है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स करके मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसे लगाना कैसे। आपको इसे एक एक स्ट्रैंड पे लगाना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, फ्रिजी हैं, फटे हुए हैं, डैमेज्ड हैं, तो आपको अपने एक एक बालों के सेक्शन में करके इसे लगाना है। अपने रूट्स में तो लगाना ही है, बट मेन फोकस आपका एंड्स होना चाहिए, इसलिए आप एक एक स्ट्रैंड निकाल के अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई करेंगे और इस पैक को आप कम से कम 30 मिनट तक रखेंगे अपने बालों पर, और उसके बाद आप शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लेंगे। फर्स्ट टाइम में ही मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। और अगर आप इसे हफ्ते में एक बार कंटिन्यूस यूज़ करते रहे, तो महीने भर में आपके बालों की ना काया पलट हो जाएगी, आपके बाल बहुत चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।
थैंक यू, नमस्ते, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।